हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक वन मॉड्यूल टू मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 6 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we will start new topic and the topic name is modern periodic law. So let's start our topic. Though Mendeleev's periodic table included all the elements, yet at many places a heavier element had to be placed before a lighter one. Such pairs of elements called anomalous pairs violated the periodic law. Also, there was no place for different isotopes of an element in the periodic table. Due to these reasons, it was felt that the arrangement of elements in the periodic table should be based on some other property which is more fundamental than the atomic mass. मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया था और उसमें बहुत सारे प्लेस को वैकेंट भी छोड़ दिया गया था ताकि जो हेवियर एलिमेंट है उसको उसमें प्लेस किया जाए लाइटर वन से, ठीक है, जो उसमें लाइटर एलिमेंट्स है। वैसे पेयर्स को उन्होंने एनोमेरस पेयर्स बोला था, जो कि पीरियोडिक लॉ में उसके लिए स्पेस छोड़ा गया था। ऑल्सो वहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं था डिफरेंट आइसोटिप्स एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से यह महसूस किया गया कि जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उसको फिर से उसको अरेंज किया जाए फंडामेंटल तरीके से एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। इन 1913 हेनरी मोजले एंड इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड दैट द एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक मास इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो 1913 में हेनरी मोजले एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, ना कि एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या है कि इसमें जितना एलिमेंट है उसमें एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में एटम के, उस पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर। सिंस एटम इज एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आफ्टर दिस डेवलपमेंट इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू चेंज द पीरियोडिक लॉ एंड मॉडिफाई द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था हमारा एटम, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो किसके इक्वल था, एटॉमिक नंबर के। इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, तो इसके डेवलपमेंट के बाद क्या महसूस हुआ कि इसे हम लोग पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करें पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दैट इज इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। Fortunately, even with the revised periodic law, the Mendeleev's classification did not require any major revision as it was based on properties of the elements. In fact, taking atomic number as the basis for classification removed major defects from it, such as anomalous pairs and position of isotopes. After changes in the periodic law, many modifications were suggested in the periodic table. Now we shall learn about the modern periodic table in its final shape that is being used now. जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शंस के, उसके जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स के, उसको अरेंज किसके ऑर्डर में किया गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और जो एलिमेंट्स है उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज उसको रिपीट किया गया सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के टाइम। भाग्यवश हम लोग कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक लॉ है मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा उसमें रिविजन नहीं करना पड़ा और एक इस पे बेस्ड था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है उसका क्लासिफिकेशन जिस पे बेसिस है उसे उसमें जो मेजर डिफेक्ट्स है उसको रिमूव किया गया, जैसे कि एनोमेरस पेयर्स और पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। और जो पीरियोडिक लॉ चेंज हुआ उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस किए गए पीरियोडिक टेबल में, और आज हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वो फाइनल शेप है और उसको हम लोग आज भी यूज करते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स दैट इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांसियम इन द टेबल गिवन बिलो।
चलिए हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अल्कली मेटल्स का, जिसके जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर्स 3, 11, 19 और 37, 55, 87, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैडमियम एंड फ्रांसिस, ये सब टेबल में दिया हो गया। तो हियर इज योर टेबल 6.4 व्हिच शोस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स एलिमेंट्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल्स। ऑल दिस एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज विच आर एज फॉलोज। जितने भी ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में या आउटर शेल में इसको बोल सकते हैं उसका सिर्फ वन है। सो यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। दे फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायंस, और ये कैसे कैटायंस फॉर्म करते हैं, मोनोवैलेंट। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर फॉर फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए नेचर में ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, और ये जब फ्लेम जब इसमें जब फ्लेम फ्लेम इस जब इसको कैच करता है तो ये कलर इम्पार्ट करता है। दे फॉर्म हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड्स के साथ मिलकर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, और ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होकर के। दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन, वो वाटर के साथ वाटर और मेटल हाइड्राइड्स के साथ बन के क्या करते हैं, मिलके हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, मीन्स हाइड्रोजन निकालते हैं। इट इज नोटिस्ड दैट ऑल द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दस द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये नोटिस किया गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और सिमिलर प्रॉपर्टीज के, इसलिए जो रिअकरेंस है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो क्या कारण, पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी इट मीन्स उसका जो कॉजेज होता है रिपीटेशंस का एलिमेंट्स में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंटली द एक्सेप्टेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट मे बी रिपीटेड इट मे बी रिगार्डेड एज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेंडेलीव्स टेबल इन विच द सब ग्रुप्स ए एंड बी हैव बीन सेपरेटेड। नाउ यू विल लर्न द मेन फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज शोन इन टेबल 6.5। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। और प्रेजेंटली ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। और ये रिगार्डेड कह सके कि ये मेंडेलीव्स का जो टेबल था उसको ये एक्सटेंड किया गया है। ओके, इसमें जो सब ग्रुप्स था ए और बी उसको सेपरेट किया गया है। और आप लोग इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को देखोगे टेबल 6.5 में। हियर इज टेबल 6.5 विच शोज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। Now we will read about features of long form of periodic table. The long form of periodic table helps us to understand the reason why certain elements resemble one another and why they differ from other elements in their properties. The arrangement of elements in this table is also in keeping with their electronic structures configuration. In table 6.5, you must have noticed that it is divided into columns and rows. The columns represent the groups or family and the rows represent the periods. तो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये हम लोग को अंडरस्टैंड करते करने में हेल्प करते हैं कि क्यों हम लोग जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से डिफर है और जो एलिमेंट्स है उसके प्रॉपर्टीज डिफर है। इसका जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का टेबल में वो हम लोग को क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बताता है। टेबल 6.5 में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो कॉलम्स और रोज में ये डिवाइड है, और ये जो कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप और फैमिली को, और जो रोज है वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स को। ग्रुप्स, there are 18 vertical columns in the periodic table. Each vertical column is called a group. The groups have been numbered from 1 to 18 in Arabic numerals. All elements present in a group have similar electronic configurations and have same number of valence electrons. You can see in case of group 1 alkali metals and group 17 elements halogens that as one moves down a group more and more शेल्स आर एडेड इन शोन इन टेबल 6.6। जितने भी एलिमेंट्स है प्रेजेंट ग्रुप में उनका जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जितने भी वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप बोला जाता है। जो ग्रुप है वो 1 से 18 अरेबिक न्यूमरल्स में, और जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप में उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड उसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम है। और आप इसको ग्रुप 1 एल्केली मेटल्स में देख सकते हो और ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजन्स में देख सकते हो, जैसे कि वो मूव्स डाउन करते हैं ग्रुप से और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल है वो ऐड होते गए। सो हियर इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एंड इट्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस
See here all the elements have one number in outermost and here 7. Okay, all elements of group 1 have only one valence electron. Lithium has electrons into two shells, Na in 3, Ke in 4, and RbS has electrons in 5 shells. Similarly, all the elements of group 17 have 7 valence electrons. However, the number of shells is increasing from 2 in fluorine to 5 in iodine. जितने भी ग्रुप वन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में वो सिर्फ वन है, और जो लिथियम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स टू सेल्स में है, सोडियम का 3 है, पोटेशियम का 4 है, रुबिडियम का 5 शेल्स है. वैसे ही जो हमारा ग्रुप 17 के है उसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इंक्रीज होते गए. फ्लोरिन से 2 से स्टार्ट हुआ और ये आयोडीन पे जाके 5th पोजिशन तक पहुंच चुका है. पीरियड्स, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल. ईच रो इज कॉल्ड अ पीरियड. द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव consecutive atomic numbers. The periods have been numbered from 1 to 7 in Arabic numerals. In each period, a new shell starts filling up. The period number is also the number of the shell which starts filling up as we move from left to right across that particular period. For example, in elements of third period n equal to 3, the third shell M shell starts filling up as we move from left to right. The first element of his period, sodium Na2H1, has only one electron in its valence shell, third shell, while the last element of this period, argon, has 8 electrons in its valence shells. The gradual filling of the third shell can be seen below. तो जो पीरियड्स होता है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियोडिक टेबल में, और जितने भी रोज है उन्हें पीरियड बोला गया है, और जो एलिमेंट है पीरियड में उसके कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स है. जो पीरियड्स है उसमें नंबर क्या है 1 to 7, और वो भी अरेबिक न्यूमरल्स में. इतने भी पीरियड है उसका जो न्यू शेल्स है वो स्टार्ट करता है फिलिंग अप करने में, और जितने भी पीरियड के नंबर है वो क्या है, जितने भी शेल है वो स्टार्ट करते हैं फिल करने के लिए. और जैसे कि हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पार्टिकुलर पीरियड में, जैसे कि एग्जांपल हो गया कि जो थर्ड पीरियड है हम लोग का एन वाला, उसमें क्या है कि वो 3 है, उसका थर्ड सेल एम स्टार्ट हो गया, और वो जैसे जैसे हम लोग मूव करते रहते हैं लेफ्ट टू राइट वैसे वैसे वो इंक्रीज करता रहता है. तो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड का सोडियम वाला 281, ठीक है, हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. एंड जो थर्ड सेल है लास्ट एलिमेंट इस पीरियड का वो आर्गन है, और उसका क्या है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल का. उसे बोलते हैं ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ थर्ड सेल, एंड इट कैन बी शोन बिलो. आप इसमें देख सकते हैं जो एलिमेंट पीरियड है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है. The first period is the shortest period of all. It contains only 2 elements H and He. जो first period है वो सबसे छोटा period है और इसमें सिर्फ 2 elements है, hydrogen और helium. The second and third periods are called short periods containing 8 elements each. और जो third हम लोग को जो second period और third periods है वो short periods है, उसमें सिर्फ 8 elements है दोनों में. और जो the fourth and fifth periods are long periods containing 18 elements each. और जो fourth और fifth हम लोग का periods है उसमें 18 elements है. और हमारे जो सिक्स और सेवन पीरियड्स, द सिक्स एंड सेवन पीरियड्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स ईच. और जो हमारे सिक्स और सेवन पीरियड्स है वो बहुत लंबा है और ये 32 एलिमेंट्स कंटेन करता है. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स 1 एंड 2 ऑन लेफ्ट साइड एंड ग्रुप्स 13 टू 17 ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. देयर आउटरमोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट, व्हिच मींस देयर आउटरमोस्ट सेल हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है 1 एंड 2 में लेफ्ट साइड के ग्रुप्स में, 13 टू 17 ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसे रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट बोला गया. जिसका आउटरमोस्ट सेल है वो इनकम्प्लीट है, इट मीन्स जिसका आउटरमोस्ट सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 से कम है. नोबल गैसेस, ग्रुप्स 18 ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नोबल गैसेस. देयर आउटरमोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम व्हिच कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो नोबल गैसेस है राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के उसमें ग्रुप 18 में, उसमें क्या जो उसके आउटरमोस्ट सेल में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है. एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर they have 8 electrons in their outermost shell except helium which has 2 electrons. क्योंकि जो outermost shell में 8 electrons है बस helium को छोड़ के, क्योंकि उसमें 2 electrons है. their combining capacity or valency is 0. इसका जो combining capacity or valency क्या है वो 0 है. they do not react and so are almost inert. और वो react नहीं करते इसलिए वो inert gas के भी नाम से जाने जाते हैं. all the number are members are gases. और जो group 18 में है वो सारे जो members हैं वो gas के हैं. transition elements,
द मिडिल ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 3 टू 12 कंटेन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर टू और मोस्ट शेयर्स आर इनकम्प्लीट सिंस दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन चेंज फ्रॉम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे आर नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो मिडिल ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3 से 12 वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसके जो आउटर मोस्ट शेल्स है वो भी इनकम्प्लीट है. और ये क्यों, ये जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन को, तो इसके जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की वजह से और इसे नेम किया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज. हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, उसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. सम ऑफ दिस एलिमेंट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. और इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर यूज एज कैटलिस्ट. और इसमें जितने भी एलिमेंट्स उसमें से ज्यादा एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं. दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसेज. और इनका जो वैलेंसेज है वो वेरिएबल है. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स एज आर शोन सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल. दीज आर टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच. द फर्स्ट सीरीज कॉल्ड लैथानॉइड्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 58 टू 71 सी टू एल यू. दे ऑल आर प्लेस्ड अलॉन्ग विद द एलिमेंट 57 लैंथेनम एंड in the same position group 3 period 6 because of very close resemblance between them. It is only for the sake of convenience that they are shown separately below the main periodic table. तो ये जो inner transition elements है उसे rare earth elements भी बोला जाता है, उसे separately below किया show किया गया है main periodic table के below में. और ये जो two series of 14 elements हैं इनमें दोनों में, और ये जो first series है उसे lanthanoids बोला जाता है, जिसमें एलिमेंट्स को लैथानॉइड्स बोला जाता है. इसमें 58 टू 71 है सी टू एल यू. एंड जितने भी ये हैं उसको प्लेस्ड किया गया है एलिमेंट 57 लैथेनियम के साथ सेम पोजीशन में ग्रुप 3 पीरियड 6 बिकॉज ये इनका जो रिजेम्बलेंस मीन्स इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसके बहुत ही क्लोज है. और ये हम लोग की सिर्फ कन्वीनियंस के लिए दिया गया है कि इसको सेपरेटली मेन पीरियडिक टेबल में शो किया गया है नीचे में. The second series of 14 rare earth elements is called acetinoids. It consists of elements 90 to 103, Ts to Lr, and they are all placed along with element 89 astenium in the same position group 3 period 7, but for convenience they are shown below the main periodic table. The second series of 14 rare earth elements is called acetinoids. Bhi bola jata hai. Ye kya consist karte hai? Elements 90 to 103. और ये जितने प्लेस किए गए हैं वो एलिमेंट्स 89 एसिटीनियम के साथ सेम पोजीशन ग्रुप 3 पीरियड 7 में किए गए. ये हमारी सुविधा के लिए किया गया है, ठीक है, मेन पीरियडिक टेबल के नीचे शो किया गया. इन ऑल रेयर अर्थ्स लैथानॉइड्स एंड एसिटीनोइड्स 3 आउट ऑफ मोस्ट सेल्स आर इनकम्प्लीट. दे आर देयरफॉर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये जितने भी रेयर अर्थ लैथानॉइड्स और एसिटीनोइड्स ये 3 आउट ऑफ मोस्ट इसके इनकम्प्लीट है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एलिमेंट लैथेनियम इज नॉट अ लैथ and the element acetinoid is not an acetinoid. तो ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो लैथेनम है वो लैथेनॉइड नहीं है और जो एलिमेंट हमारा एसिटीनियम है वो एसिटीनॉइड में नहीं आता है. मेटल्स. मेटल्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. द स्ट्रॉन्ग मेटालिक एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम कैल्शियम फ्रांसियम एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्सियम स्ट्रॉन्टियम बैरियम रेडियम ऑक्यूपाई ग्रुप 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. तो जितने भी मेटल्स हैं वो लेफ्ट हैंड पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में उसको उनको पोजीशन दिया गया. और ये जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक एलिमेंट्स है जैसे कि अल्कली मेटल्स कौन कौन से आ गए, तो Li Na K Rb Cs एंड Fr. और जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स है वो Be Mg Ca Sr Ba Ra है जो कि ऑक्यूपाई करता है हमारा ग्रुप 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट हैंड पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल elements that is halogen fluorine chlorine bromine iodine astinium and chalcogens oxygen sulfur selenium tellurium polonium. ये क्या चीज ऑक्यूपाई करते हैं ग्रुप 17 और 16 रिस्पेक्टिवली. मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स आर द एलिमेंट्स दैट शो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दे आर प्रेजेंट अलोंग द डायगोनल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13 बोरोन एंड गोइंग डाउन टू ग्रुप 16 पोलोनियम.
जो मेटलॉइड्स है एलिमेंट वो क्या मिक्स प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और नॉन मेटल्स का भी। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये टैबुलरी स्टार्ट होते हैं बोरोन से, ग्रुप 13 बोरोन से लेके ये ग्रुप 16 पोलोनियम तक जाते हैं। मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम लोग यहाँ पे मेरिट्स देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। द फॉलोइंग पॉइंट्स ओवरकेम द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, दैट इज व्हाई इट वाज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए जिससे हम लोग ओवरकम किए कि जो भी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स था, जो भी कुछ वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था या फिर उसमें जो भी खराबी थी उसे यहाँ पे ठीक किया गया। ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्ट किया गया है। पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटोमिक नंबर एंड देयर फोर ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जितने भी आइसोटोप्स हैं एलिमेंट के उसके सेम एटोमिक नंबर है और इनका सेम पोजिशन दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एनोमैलस पेयर्स, द एनोमैली रिगार्डिंग ऑल दिस पेयर्स डिसअपीयर्स व्हेन एटोमिक नंबर्स टेकन एज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एट नंबर 27 वुड नेचुरली कम बिफोर निकल एट नंबर 28 इवन दो इट्स एटोमिक मास इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ निकल। जो एनोमैली रिगार्डिंग था जिसमें पेयर्स वो सारा डिसअपीयर्स हो गया एटोमिक, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन का जरिया था वो एटोमिक नंबर को लेके था। जैसे कि एग्जाम्पल में जो हमारा कोबाल्ट है जो नंबर 27 में है वो 28 नंबर में जो निकल है उससे पहले आता है, भले ही उसका जो एटॉमिक मास है वो थोड़ा सा निकल से कम हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग अ सर्टेन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। दिस पॉइंट विल बी फर्दर इलैबोरेटेड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग किया गया है, उसमें जो एलिमेंट्स है उसके जो सर्टेन पैटर्न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो प्लेस किया गया सेम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के। और ये इसके प्रॉपर्टी से रिलेट करता है एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और ये क्या दिखाता है कि ये एलिबरेट करता है कि हम पहले तो हम इसके इसमें जो भी मेन पॉइंट उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसको इसके जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। Separation of metals and non-metals. The position of metals, non-metals and metalloids are clearly established in the modern periodic table. तो जो हमारा modern periodic table इसमें जो position है metals का, non-metals का या फिर metalloids का उसमें clearly established किया गया है। Position of transition metals. It makes the position of the transition elements quite clear. तो इसमें जितने भी position है transition elements को उसे clear किया गया है। Properties of elements. It reflects the differences, the trends and the variations in the properties of the elements in the periodic table. तो ये क्या reflect करता है कि जो भी differences है या trends है variations है properties में elements के periodic table को से ये clarify किया है। ठीक है, this table is simple, systematic and easy way of remembering the properties of different metals. तो ये जो table है वो simple है, systematic way है और easy है, जिससे हम लोग इसके properties के जितने भी different metals के हैं properties को हम लोग आराम से remember कर सके। so here is your in-text question 6.2, try to solve both questions. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कम वक्त लगे हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या फिर चैप्टर में कोई टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।